नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चीन की बढ़ती ताकत को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है और इसको लेकर काफी कुछ किया जा रहा है जिससे बेलगाम चीन को घेरा जा सके, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। उसी को लेकर चार देशों ने मिलकर क्वाड नाम की संस्था बनाई और चीन को घेरने की कोशिश की, लेकिन लग रहा है कि यहाँ पर भी चीन भारी है। इसी बीच कई बातें थिंक टैंक द्वारा कही जाने लगी। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों के शीर्ष नेता जापान की राजधानी टोक्यो में बैठक कर रहे हैं। क्वाड की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब चीनी ड्रैगन सुरसा मुंह फैलाए बैठा है और लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक को निगलने की फिराक में। भारत और चीन के बीच मई 2020 में शुरू हुआ सीमा विवाद अभी तक जारी और कई दौर की बातचीत के बाद भी इसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो लद्दाख में चीन की नापाक चाल सफल हो गई। चीन ने ताजा घुसपैठ से भारत के अक्साई चीन इलाके पर अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया और बड़े पैमाने पर सेना और भारी हथियारों की तैनाती करके उसे एक किले में बदल दिया। इस बात का अमेरिका की चर्चित रक्षा वेबसाइट द ड्राइव की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। लद्दाख की गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने कई मोर्चों पर सीमित वापसी की। हालांकि अगर दो साल बाद की तस्वीर देखें तो चीनी सेना ने भारतीय जमीन पर न केवल कब्जा कर रखा बल्कि सैन्य तैनाती भी कर दी। विशेषज्ञों की माने तो अक्साई चीन का ये 38,000 किलोमीटर का ठंड और बंजर इलाका भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच विवाद का विषय पहले से बना हुआ है। चीन ने साल 1962 की लड़ाई में सबसे पहले इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश की। इस जंग के चार दशक बीत जाने के बाद भी भारत और चीन के बीच आंशिक झड़प जारी रही जो साल 2020 में खूनी संघर्ष में बदल गई। इससे दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों के बीच जंग जैसे हालात बन गए। थिंक टैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन दौलत बेग ओल्डी तक नई सड़क बनाए जाने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने से भड़का हुआ। गलवान झड़प के बाद तनाव घटाने के लिए दोनों देशों की सेनाएं पेंगोंग और कई अन्य इलाकों से पीछे हटी, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में सैनिक मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर तैनात है। इस संकट के बाद अब चीन ने अक्साई चीन इलाके को प्रभावी तरीके से अपने नियंत्रण में ले लिया और इसके चारों ओर बड़े पैमाने पर सेना और हथियारों की तैनाती कर दी। सीमा संकट के दौरान चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में टेंट लगाया और महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया। कई दौर की बातचीत के बाद चीन मात्र कुछ ही जगहों से पीछे हटा। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन भारत और चीन दोनों ने ही LAC के दोनों तरफ स्थायी ठिकाने बना लिए। द ड्राइव ने कहा कि जिस तरह से चीन ने सैन्य तैयारी की है उससे अब भारत के लिए अक्साई चीन पर फिर से कब्जा कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। चीन ने अक्साई चीन के एक विवादित दर्जे को सैन्य कब्जे में बदल दिया। भारत ने भी संकट के इन दो सालों में काफी प्रयास किया। भारत चीन को अक्साई चीन के साथ पूरी सीमा पर अब करारा जवाब देने की तैयारी कर रहा। भारत ने राफेल फाइटर जेट और ड्रोन विमानों की तैनाती कर अपनी हवाई ताकत को बढ़ाया। इसके अलावा बड़े पैमाने पर सैनिकों को भी चीन की सीमा पर तैनात किया गया। चीन जहां अक्साई चीन में अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा रहा है, वहीं भारत अक्साई चीन से सटे हुए अपने इलाके में मौजूद अपने एयरबेस को मजबूत कर रहा। राफेल और ड्रोन विमानों की जुगलबंदी से भारत चीन को प्रभावी जवाब देने की हालत में आ गया। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन ने जहां अक्साई चीन पर अपना पूरा फोकस कर दिया उससे भारतीय वायुसेना को अच्छा मौका भी मिल गया। अब वो कई चीनी ठिकानों को एक साथ तबाह कर सकती, वो भी तब जब भारतीय सेना से पहले अब एयरफोर्स गंभीर सीमाई खतरों से निपट रही। उन्होंने कहा कि दुखद बात यह है कि चीन की सैन्य तैयारी से LAC अब वास्तविक सीमा में बदल गई। हालांकि इससे अच्छी बात यह हुई है कि चीन की साल 2013 में मुख्य रूप से शुरू हुई सलामी स्लाइसिंग की नीति अब रुक गई। सलामी स्लाइसिंग वो रणनीति है जिसके तहत चीन धीरे धीरे करके अपना सीमाई विस्तार कर रहा है। यही नहीं, चीन के इस चाल की वजह से अब भारत और अमेरिका के रिश्ते भी मजबूत हुए। क्वाड बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यहां तक कह दिया कि भारत अमेरिका के रिश्ते को वो धरती पर सबसे मजबूत बनाएंगे।